देखिए, आज देश में खुल्लम खुल्ला तानाशाही है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, विधायक सांसद जिनको 10-10 लाख लोगों ने चुन के भेजा है, वो क्या कह रहे हैं कि देश में आचार संहिता लागू है, आम चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश में जाके प्रचार कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के जितने नेता हैं उनके यहाँ कभी CBI छापा मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापा मार रही है, कभी ED छापा मार रही है, अब NIA पहुंच गई है सिर्फ अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्यों भाई? साफ है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आने वाली ये संस्थाएं जो आज के दिन उनके अधीन होनी चाहिए, उनको खुली छूट दी गई है कि अपोजिशन पार्टियों की पूरी इलेक्शन कैंपेन को ख़त्म कर दो, ध्वस्त कर दो, डिरेल कर दो। किसी के घर आप छापा मारोगे तो वो इलेक्शन कैंपेन करेगा या वकीलों से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बनाने के लिए आपने छापा मारा और TV ने कहना शुरू कर दिया, जी ये तो भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, बस भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। तो इसके खिलाफ अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन से मिलने गई और अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को केंद्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, रात भर जेल में रखा, मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले कनॉट प्लेस में भारतीय जनता पार्टी ने टेंट लगाया, मंच लगाया, माइक लगाया, वहाँ किसने परमिशन दी? कनॉट प्लेस पर तो परमिशन नहीं मिलती। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया वीरेंद्र सचदेवा पे? ये सारी की सारी बातें जो हैं इस बात को दिखाती हैं कि दिल्ली पुलिस, NIA, ED, CBI, इनकम टैक्स सब की सब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के अंदर व्यस्त है। पुलिस कह रही है कि इनको अरेस्ट नहीं किया, प्रिवेंटिव मेजर में इनको डिटेन करके। हाँ तो कुछ भी कह दो, अब देखो आपके सामने ही है, गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है और कह रहे हैं कि साहब हमने इनको छोड़ दिया, तो वो क्या कूद कूद के आ जाए मार? और इनको लाया कौन यहाँ पे? यही लेके आए? वो तो खुद नहीं आए, पहले खुद लाते हैं, अंदर रखते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं हमने छोड़ रखा है। ये नाटक नहीं चलेगा। सब लोगों को हिंदुस्तान में समझ में आ रहा है केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है। सर, TMC का डेलीगेशन कल इलेक्शन कमीशन से मिला, वहाँ अपनी बात रखी, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करना कहाँ तक, क्योंकि उन्होंने अपनी बात कह दी थी, उन्होंने सुन लिया था। ये सुन लिया था क्या? भगवान का मंदिर है कि मंदिर में गए और हमने भगवान ने सुन लिया? ऐसा कोई ना होता है। कार्रवाई क्या की? आतिशी के खिलाफ कंप्लेंट हुई, 2 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया। यहाँ भदे भदे होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, 5 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन को सुधी नहीं आई है। क्या इलेक्शन कमीशन ने NIA की मीटिंग बुलाई? क्या इलेक्शन कमीशन ने ED, CBI, इनकम टैक्स को बुलाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपने प्रेस रिलीज देखी? मैंने तो नहीं देखी। सुनने के लिए नहीं है, मंदिर नहीं है, कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा उन्होंने क्या किया। भगवान ना समझे अपने आप को इलेक्शन कमीशन। एक आखिरी सवाल सर, आज दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश आना है जो अंकित प्ली लगी है उनके अरेस्ट को चैलेंज करने वाली, उसको क्या कहना सर? देखिए वो ऐसा ही है, अब मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे उस कोर्ट से खास उम्मीद है नहीं, बाकी देखिए।